तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक डक्टेबल यूनिट का जो कंप्रेशर है वो किस तरह से चेंज करेंगे, क्या 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 स्टेप होगा कंप्रेशर चेंज करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप जो है वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप वीडियो को जो है पूरा आप देखते नहीं हैं, अगर आप फुल वॉच करेंगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक आप जो है वो बने रहिएगा, क्योंकि अभी जो है कंप्रेशर का जो है वो हम लोग जो है नीचे का जो रबर होता है वो रबर लगा रहे हैं, ठीक है। अभी वेल्डिंग करके जो है पुराना वाला कंप्रेशर जो पीछे लगा हुआ है उसे हम लोग खोल देंगे, और ये जो नया वाला कंप्रेशर है इसे जो है हम लोग बैठा देंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपके लिए जो है यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इसका जो कंप्रेशर है इस रीइंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है कि आप भी जो है फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा कमेंट आता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और आपको अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये जो है कंप्रेशर का जो लाइन कट हो रहा है ये डिस्चार्ज वाला लाइन है, ठीक है। ये डिस्चार्ज वाला लाइन को जो है वो कट कर देना है, ताकि जो है वो जो भी प्रेशर है वो फ्रेंड्स निकल जाए, ठीक है। क्योंकि वेल्डिंग, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करके जो है प्रेशर को खोलते हैं, तो उस वक्त जो क्या होता है, उस समय प्रेशर जो है वो वेपर की तरह, मतलब वो ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो आपको जो है वो कुछ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इस वजह से जो है उसका जो प्रेशर है वो हमें निकाल लेना है। तो हम लोग इस तरह से निकाल लिए हैं, और ओल्ड वाला जो देख सकते हैं आप लोग कंप्रेशर, ओल्ड वाला कंप्रेशर को इस तरह से जो है देखिए, इस तरह से हमने क्या करना है कि निकाल देना है। निकालने के बाद फ्रेंड्स न्यू वाला जो कंप्रेशर है हम लोग जो है क्या करेंगे, न्यू वाला कंप्रेशर को इसमें बैठाएंगे, और बैठाने के बाद जो है बैठा कर जो है उसमें जो है टाका मारेंगे, वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने जो है न्यू वाला जो कंप्रेशर है उससे हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं, बैठा दिए हैं, और बैठाने के बाद जो है इसका जो भी नट है, नट वगैरह जो है उसे अच्छे तरीके से टाइट कर दें फ्रेंड्स। क्योंकि जब कंप्रेशर ऑन होता है तो ऑन होने के बाद क्या होता है कि कंप्रेशर वाइब्रेट करता है और जो साउंड है वो नीचे कमरे के अंदर जो है वो जाने लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अभी हम लोग जो है सक्शन वाला जो लाइन है फ्रेंड्स उसको जो है वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करने के बाद जो है हम लोग डिस्चार्ज वाला लाइन वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है कि आप देख सकते हैं कंप्रेशर में दो तीन वायर लगे हुए हैं। हमने क्या किया था कि आपको पहले जो है कंप्रेशर को चालू करके चेक कर लेना है कि कंप्रेशर आपका सही है या नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि आप कहीं से भी परचेस या सर्विस सेंटर से लाते हैं तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है। अगर चेक करके आप कंप्रेशर लगाएंगे तो बेटर है, क्योंकि सारा मेहनत जो है फिर बेकार हो जाएगा। मान लीजिए किसी तरह से जो है वो अगर कंप्रेशर नहीं चलता है तो आप रिटर्न उसी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है कि आप देख सकते हैं हम लोग जो है किस तरह से वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से फ्लश करेंगे, वैक्यूम करेंगे और गैस चार्ज इसमें कर देंगे, ठीक है। तो एक पाइप जो है वो वेल्डिंग हो गया। अभी हम लोग डिस्चार्ज वाला लाइन जिस तरह से खोले थे उस तरह से जो है वो इसमें बैठाएंगे, और बैठाने के बाद जो है इसमें भी टाँका मार देंगे, ठीक है। इसमें जो है वेल्डिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर एसी से रिलेटेड जो है मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, अगर एसी से रिलेटेड अगर कोई भी कंप्लेन है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर वायरिंग आपको समझ में नहीं आती है, कॉन्टैक्टर की वायरिंग या फिर कैपेसिटर की वायरिंग या फिर इंडोर टू आउटडोर जो कम्युनिकेशन की वायरिंग होती है, अगर वो आपको समझ में नहीं आता है, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से जो है वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब तक जो है ये वेल्डिंग हो रहा है तब तक जो है वो मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे आपको दे दूं कि अगर कहीं पे भी आपको जो है वो प्रॉब्लम अगर होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट मैं आपके कमेंट के हिसाब जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से वेल्डिंग जो है वो हो गया, ठीक है। तो वेल्डिंग होने के बाद फ्रेंड्स ये बीच में आप देख सकते हैं वो बीच में जो कंप्रेशर के बीच में है उसे बंद कर देना है, वो लाइन को बंद कर देना है। वो लाइन को बंद इसलिए करना है फ्रेंड्स ताकि वो जब स्टार्ट होगा तो वो रिटर्न खींचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे, टुकड़ा उसमें डाल देंगे, डालने के बाद जो है उसका जो है मुंह को जो है बंद कर देंगे, प्लास जो है दबा कर पंच करके जो है उसका जो मुंह है उसे बंद कर देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर हमें इसकी जो है अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो उसे ठीक करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये सेंटर वाला जो है सेंटर वाला को भी जो है वो बंद कर देंगे, और प्लास की मदद से जो है वो पंच कर देंगे, ठीक है।
पंच करने के बाद जो है उसे भी बंद कर देंगे वेल्डिंग की मदद से। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ, ठीक है। अगर आप लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि अपनी मेहनत मैं आप लोग के लिए ही करता हूँ, आपके लिए भी कुछ तो बनता है, ठीक है। तो आप फटाफट जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और अगर इसमें भी अगर कंप्रेशर लगाने में या खोलने में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो में जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से जो है हमने जो पंच करके जो है कंप्रेशर का जो तीसरा वाला लाइन था उसे जो है तीसरा वाला लाइन को भी जो है वो अच्छे तरीके से कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, हमने जो वैक्यूम कर दिया है और इसमें जो गैस है फ्रेंड्स R22 का गैस है, इसमें हम लोग क्या करेंगे गैस चार्ज कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने जो है कॉन्टैक्टर कैपेसिटर, अगर इसका भी वायरिंग आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कॉन्टैक्टर और कैपेसिटर का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। तो ये जो है यॉर्क का एसी है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें जो है कंप्रेशर अच्छे तरीके से हमने बैठा दिया है। बैठाने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे गैस चार्ज कर देंगे। तो आपको पता है कि R22 का जो गैस है उसका प्रेशर 65 to 60 होता है, ठीक, 65 तक मिनिमम छोड़ देना है। तो हम लोग क्या करें कि इसमें जो है 65 प्रेशर जो है डाल देंगे, ठीक है। 65 प्रेशर आप देखिए गेज में जो है आपको दिखा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी दिखा सकूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स अभी जो गेज में अभी कितना प्रेशर हुआ है आप देखिए, इसमें देखिए बंद करेंगे, बंद करने पर अभी 40 PSI इसमें गैस गया है। तो आपको क्या करना है 65 तक कर जो है छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा कि वीडियो जो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।